Hello students, today I am going to discuss some numerical problems on motion. So my first numerical is based on the topic distance and displacement. The numerical is, if an athlete completes one round in 2 minutes on a circular path of radius 200 meter, how much distance he can travel in one round? And the another part of this question is, also find distance and displacement after 9 minutes. तो सबसे पहले हमें क्या find करना है? सबसे पहले numerical करते time एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो given चीजें हैं वो रखें. इससे क्या होगा, गलती होने के chances सबसे कम हो जाते हैं. तो सबसे पहले हमने given लिखा, given t is equals to 2 minutes. This is the time taken to complete one revolution. R radius दिया है, तो first case जो question में दिया है वो क्या है कि एक round में distance find करना है कितना होगा. तो distance find करने के लिए हमारा सीधा सा है, अगर हम circular path पर चल रहे, circular orbit पर चल रहे, means अगर circular orbit पर या circular path पर या circular track पर अगर हम movement कर रहे हैं, हम यहां से चले थे वापस यहीं आगे, पूरा एक रिवॉल्यूशन हमने कर लिया, रेडियस कितनी है 200 मीटर है, तो डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, सर्कमफेरेंस. तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर. क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2 इनटू 22 अपॉन 7 इनटू 200 मीटर, कितना मीटर आ जाएगा. नेक्स्ट इसको आगे कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 3.14 into 200 मीटर, then it will be 4 4 16, 1 carry 5, 20 से डेसिमल यहां आना चाहिए था, 2 zeros आगे, डेसिमल 2 प्लेस आफ्टर, कितना आ जाएगा, 1256 मीटर. तो इसका एक पार्ट हमारा ये प्रूफ हो गया, मतलब सॉल्व हो गया कि कितना जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी वो कितनी आ जाएगी, 1256 मीटर आ जाएगी. अब इसका सेकंड केस करते हैं. तो सेकंड केस ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सेकंड केस इज आल्सो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 9 मिनट. अब अगर वो एक राउंड 2 मिनट में कंप्लीट करता है, तो सबसे पहले चीज हम ये फाइंड करेंगे कि वो 9 मिनट्स में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने करता है, मींस 2 मिनट मींस इन 2 मिनट्स कितने, 1 रिवॉल्यूशन, इन 1 मिनट 1/2 रिवॉल्यूशन. यूनिटरी मेथड में लगा रहा हूं, यहां पे कोई न्यू चीज नहीं है. तो इन 1 मिनट 1/2 रिवॉल्यूशन, इन 9 मिनट कितना आ जाएगा, 9/2 रिवॉल्यूशन. तो इसके रिवॉल्यूशन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, 4.5 रिवॉल्यूशन. अब एक चीज ध्यान देना यहां पर कि जब वो 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब 4.5 है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैंने कहा था सर्कमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी वो रिवॉल्यूशन कर रहा है. अगर हमारे पास इसमें केवल एक ही रिवॉल्यूशन इसने किया तो आ जाएगा 1 × 2π. इसने दो रिवॉल्यूशन किए तो कितना आ जाएगा, 2 × 2πr. इसने 3 रिवॉल्यूशन करे कितना आ जाएगा, 3 × 2πr. तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4.5 × 2πr. तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 3.14 × 200. इसको कैलकुलेट कर देंगे, हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा. तो जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होगा यहां पे वो हमारे पास निकल करके आ जाएगा 5652 मीटर कैलकुलेशन करने के बाद. ऐसे ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो वो 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, तो 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट, पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया डिस्प्लेसमेंट 0, थर्ड रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्थ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया डिस्प्लेसमेंट 0, तो बाकी अब उसने जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन किया है वो यहां तक किया है, मतलब उसने ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, बी पॉइंट हो जाएगा. तो उसने हाफ सर्कल जो ट्रैवल किया, मेन जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो इसमें आएगा.
मतलब फोर ये आ जाएगा, फोर रिवोल्यूशन में तो जीरो किया, इसका मतलब हो जाएगा टू इंटू आर, मतलब टू इंटू 200 मीटर, इसका आ जाएगा 400 मीटर आंसर। तो मेन इसमें क्या ध्यान रखना है, मेन ध्यान रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है उसका कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर हमें आता है तो हम किस तरह के न्यूमेरिकल का कर पाएंगे, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है इस तरह के न्यूमेरिकल करना। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल डिस्प्लेसमेंट में आएंगे, चाहे वो यहाँ उसने सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, वो उसमें रेक्टेंगुलर पाथ दे सकता है, ट्रेंगुलर पाथ दे सकता है, पॉलीगोनल यानी कि पेंटागोनल, हेक्सागोनल पाथ दे दिए जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमें चीजें कैलकुलेट करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो द क्वेश्चन इज, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक फ्रॉम 9 AM टू 9:30 AM। तो सबसे पहले हमने दो क्लॉक बना लिए हैं यहाँ पर, एक में 9 AM टाइम हो रहा है, एक में 9:30 टाइम हो रहा है। तो एक चीज हमने क्या देखा कि जो मिनट हैंड है उसने हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया। जब मिनट हैंड या आर हैंड या सेकेंड हैंड वॉच के अंदर मूवमेंट करती हैं, तो मेन चीज क्या होती है, वो सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करती है। तो अगर उसने डिस्टेंस ट्रेवल जितना भी किया है, तो सबसे पहले चीज हम क्या सर्कमफेरेंस फाइंड करके फाइंड करेंगे। तो उसने यहाँ जो मतलब रोटेशन किया है वो इसने हाफ रिवोल्यूशन किया है, तो इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि उसने आधा सर्कल किया है, पूरा किया होता तो पाई आर होता, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा पाई आर बचा। आर कितना दिया है यहाँ पर, आर इज इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर, तो पाई कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 8 2 1 0 2 2 3 6 62.8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, क्योंकि आधा सर्कल ट्रेवल किया था उसने, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो दीज विल बी द आंसर्स फॉर डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें मैक्सिमम आएंगे। तो बाकी अभी जब मैं वर्कशीट अपलोड करूंगा तब बाकी के आंसर्स तुम लोगों को मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 1000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 1500 किलोमीटर एट द एंड ऑफ अ ट्रिप। इफ द ट्रिप टेक्स 4 आवर, देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो ऑडोमीटर के बारे में मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। ऑडोमीटर इज द स्केल और मीटर इन आवर बाइक विच कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो बाइक में हमारे मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम कितने किलोमीटर चल रही है, तो दैट विल बी द ओडोमीटर। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। तो यहां से कितना आ जाएगा, फाइनल रीडिंग इज 1500 किलोमीटर, फाइनल रीडिंग इज 1500 किलोमीटर माइनस 1000 किलोमीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू दैट इज 500 किलोमीटर। एंड नाउ वी हैव द फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां से क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड निकल कर क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 500 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया उसने 4 आवर्स, टाइम कितना लिया
4 आवर्स, तो नीचे कितना आ जाएगा 4 आवर। कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आएगा 4 1 4 4 2 4, दैट इज 125 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारे पास एवरेज स्पीड निकल कर के आया वो हमारे पास आ गया 125 किलोमीटर पर आवर। बट इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इंटू मीटर पर सेकेंड, देन वट वी विल डू, हेयर वी आर हैविंग 125 किलोमीटर पर आवर, एंड नाउ वी वॉन्ट टू चेंज इट इंटू मीटर पर सेकेंड। इसके लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, देर आर टू थिंग्स, वन इज किलोमीटर पर आवर कन्वर्टेड इंटू मीटर पर सेकेंड, एंड 1 मीटर पर सेकेंड कन्वर्टेड इंटू किलोमीटर पर आवर। सो इन दिस आवर मल्टीप्लायर विल बी लाइक दिस, 5 बाय 18 मीटर पर सेकेंड, एंड इन दिस दैट विल बी 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज हमें सीधा सीधा याद रखना है कि अगर बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर छोटा होगा, और छोटी क्वांटिटी को अगर बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 5 बाय 18 से, क्योंकि हमें क्या किलोमीटर पर आवर को किसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो ये आया कैसे ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर को हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम चेंज कैसे करेंगे, 1000 मीटर अपॉन ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 60 सेकेंड्स। 2 0 कैंसल आउट बाय 2 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, दैट विल बी 5 बाय 18 मीटर पर सेकेंड। इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो अभी आगे हमें बहुत ज्यादा इस चीज को करने की जरूरत पड़ेगी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव द आंसर 34.72, 34.72 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन हमारा एवरेज वेलोसिटी का। अभी आज जो मैं न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ ये केवल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन पर बेस्ड है, केवल सीधे सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड है। इक्वेशन ऑफ मोशन अभी मैंने नहीं कराई है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई भी न्यूमेरिकल अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियोज में, तो देन वी विल आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स दैट दैट विल बी बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ कार कवर्स 30 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, मतलब वो फर्स्ट 30 किलोमीटर 30 मिनट्स में कवर करता है, एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। देर आर टू डिस्टेंसेज 30 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर। जैसे कि मान लिया हमने अपना जो पाथ है वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इक्वली, देन वी हैव टू कवर 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर डे वन एंड डे टू, एंड इन टाइम 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। तो यहाँ पर टाइम या तो हमें आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर हमें डिस्टेंस इसको, मतलब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज, या तो हम टाइम को आर में कन्वर्ट कर लें तो हमारी स्पीड निकल कर क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। लेकिन अगर हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं और उस मिनट को सेकेंड्स में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको चेंज ना करके हम जो चीजें आसान है केवल एक ही के चेंज करने से काम चल जाएगा। T1 इज इक्वल्स टू कितना 30 मिनट था, देन वी हैव 30 अपॉन 60 आर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो वो डिवाइड करेगा जो उनके बीच मल्टीप्लायर होगा। तो सबसे पहली चीज, यहाँ जो मल्टीप्लायर है वो 60 है आर और मिनट के बीच, तो हम मिनट को आर में चेंज कर रहे हैं, 60 से डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी 40 अपॉन 60 आर।
ठीक है, तो अब इसको मैंने अभी वहां कट इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी, हाँ इसको जीरो से जीरो को कट कर सकते हैं, इतना आ जाएगा। तो अब हमारे पास एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ वी हैव 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, 30 प्लस 30 अपॉन दैट इज 3/6 प्लस 4/6, इट विल गिव्स द वैल्यू 60/7/6। डेनोमिनेटर मैंने वहां कट इसलिए नहीं किया था क्योंकि डेनोमिनेटर यहाँ सेम रहेंगे तो एडिशन करने में आसानी होगी। तो कितना हो जाएगा ये 6 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा ये 6 6 36 360 अपॉन ये आ जाएगा 7। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 51.4 किलोमीटर पर, दैट विल बी द एवरेज स्पीड फॉर द रिक्वायर्ड गिवन फॉर द गिवन सेगमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले जो शॉर्ट वे है वो बता रहा हूं, ठीक है। ग्राफिक मतलब नॉर्मली अगर हम इसको देखें, हमारा पाथ दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट इज 30 किलोमीटर एंड नेक्स्ट पार्ट इज 90 किलोमीटर। हेयर द स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, हेयर द स्पीड इज अननोन दैट इज एक्स, ठीक है। यहाँ स्पीड हमारी 30 किलोमीटर पर आ रही है, स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर पर आ। अब सबसे पहली चीज, पूरे जो हमारा पाथ है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अगर पूरे पाथ की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू कितना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 30 कितनी हो जाएगी 120 अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ही तो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर जो कि हमें दिया हुआ था, ठीक। तो टी इज इक्वल्स टू जो एक्चुअल टाइम लगेगा इसको ट्रेवल करने में वो लगेगा 120/60 यानी कि 2 आवर। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज होती है तो वो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगाएगा वो कितना टाइम लगेगा, 2 आवर। अब उसने एक पार्ट तो कवर कर लिया है ना, दूसरा पार्ट कवर होने के लिए बचा है। तो सबसे पहले वाले पार्ट में, ठीक है, पार्ट 1, इसके लिए जो हमारा टाइम T1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर ट्रेवल की है उसने, और स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि टाइम T1 कितना आ गया, 1 आवर निकल करके आ गया। तो अब जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर ट्रेवल करने हैं उसको द कार ट्रेवल नेक्स्ट 90 किलोमीटर इन 1 आवर। तो T2 हमें गिवन है 1 आवर इन 90 किलोमीटर इन कितने में, क्योंकि उसको करना है 2 - 1 आवर में, क्योंकि 2 आवर तो पूरी जर्नी को लग रहा था, 1 घंटे में उसने ये पार्ट ट्रेवल किया, बाकी उसे 1 घंटे में ट्रेवल करना है। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 1 आवर। तो T2 कितना आ गया, 1 आवर आ गया। तो अब अगर हमें नेक्स्ट इस वाले पार्ट में स्पीड निकालनी है तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर, टाइम कितना है 1 आवर। तो कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से सबसे मतलब आसान तरीका है, पहले तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं उसमें एक ही बार में हो जाएगा। तो जो तरीका आप लोगों को सही लगता है आप वो एम्पायर। इन नेक्स्ट वे वी कैन राइट डायरेक्टली फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्स वन डी वन प्लस डी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, और टी वन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास टी वन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी कि 30 स्पीड एंड 30 अपॉन 30 आर। सेकेंड वाले के केस में टी टू हो जाएगा x अपॉन x अपॉन 60 और फर्स्ट वाले के केस में हो जाएगा 30 अपॉन 60। तो सेकेंड टाइप में सबसे पहले हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सभी को पता है, d1 plus d2 upon d1 plus d2। अभी लास्ट थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ देखें 30 अपॉन 30 दैट विल बी द t1 मींस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास क्या है, t1 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 30 आ जाएगा और t2 हमारे पास कितना आ जाएगा 90 अपॉन x आ जाएगा, मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। इन्हीं वैल्यूज को हमने कहाँ पुट किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया, मतलब यहाँ 30 से 30 कैंसिल हुआ, 1 प्लस 90 अपॉन x, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दिए और ये निकल करके हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर। तो इस कंडीशन इस तरीके से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा एवरेज स्पीड तक के जो न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन, और इक्वेशंस ऑफ मोशन खत्म करने के बाद उसी वीडियो में कुछ उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मैं डिस्कस करूंगा, तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल वी विल डिस्कस इट इन दैट वीडियो। सो फॉर दिस इट इज अनफ नाउ, थैंक्स।